हमारे जो टीचर है हमेशा यही बोलते रहते हैं कि बस तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या सच में बस एनसीईआरटी बुक पढ़ के अच्छे से क्या 100% मार्क्स बोर्ड में लाए जा सकते हैं कि नहीं क्लास 12th में। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, और क्या 100% मार्क्स लाना है तो हमें कौन कौन से और बुक पढ़ना चाहिए अगर एनसीईआरटी से काम नहीं बनता है तो, और किन लोगों को एनसीईआरटी बस पढ़ लें तो उन लोगों का काम चल सकता है, किन स्टूडेंट का। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं 100% मार्क्स पाने के लिए। देखो हमारे टीचर्स तो ये बोलते रहते हैं कि बस तुम कुछ और ना पढ़ो, एनसीईआरटी रखते जाओ, पूरा चार दो एनसीईआरटी, दो तीन बार जितने बार हो सके एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस और सारे एनसीईआरटी का लगा लो, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, 100% मार्क्स आएंगे और कहीं से पेपर बनता ही नहीं है। तो ये भाई गलत है। देखो भाई मैं जो भी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, मैं कोई टीचर वगैरह तो हूं नहीं या कोई एक्सपीरियंस का, एज ए स्टूडेंट ही बता रहा हूं, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में या जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वही मैं बातें आप लोग को बता रहा हूं। एज ए सीनियर मैं आप लोग को ये बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट स्टूडेंट ही बता रहा हूं ये जो चीजें हैं, ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो देखो यार 100% एनसीईआरटी बुक से पढ़ के आप नहीं पा सकते हो, 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से नहीं आते हैं भाई। उसके लिए आपको साइड बुक पढ़ना कंपलसरी है। एनसीईआरटी बुक सिर्फ उनके लिए है भाई जो अगर बस पास होना चाहते हैं, अगर 40-50% नंबर लेना चाहते हैं वो बस एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो बस एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 मार्क्स ला सकते हो। पर देखो एकदम अच्छे से एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उसके एग्जांपल्स पढ़ो, उसके मिसलिनियस पढ़ो, अच्छे से रिवीजन कर लो पूरा बढ़िया से, तो भी मैक्सिमम आपको 65 से लेके 75 मार्क्स तक के एनसीईआरटी बुक से आते हैं। लेकिन जो 25 या जो 30 मार्क्स जो बचते हैं वो आपको एक समझ लो अलग ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो आप साइड बुक से कह सकते हो पढ़ सकते हो, या एक अलग ही कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक सिर्फ उनके लिए है जो 45% या 60% के अंदर ही पाना चाहते हैं, उनको भी एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बात करते हैं 100% पाने के लिए, तो सबसे पहले बात एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। जो भी 60-65% 70% मार्क्स आते हैं, आते तो हैं, तो बेस है वो हम लोग का एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ो पूरे बढ़िया से, एग्जाम्पल मिसलिनियस और जितना भी हो सके एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद साइड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी साइड बुक में आपको, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के आप सिर्फ वो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन साइड बुक में आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्योंकि जो 30 और जो 25% जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, वो आपको ये नहीं दिखा जाए कितने आपने रट्टे मारे, इसके बेस पे नहीं आते, वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप साइड बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो साइड बुक ही है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो अगर आपको 100% आना तो ये पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट के 3-5 साल का क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप सारे काम करते हो तो आप 100% मार्क्स पा सकते हो। अगर इन सबको प्रॉपर और अच्छे से कई बार रिवीजन की बात करोगे तो 100% मार्क्स का है। और जो एनसीईआरटी बस उनके लिए है जो भाई बस पास होना चाहते हैं, 50-60% पाना चाहते हैं, वो भी अगर एनसीईआरटी को कई बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो भाई आई होप आप लोग को पता लग गया कि एनसीईआरटी से कितने मार्क्स आते हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़ने से 100% हम लोग को मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।